मैं अफजल शेख, गोंडवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुम्ब्रा में एमआईएम ऑफिस पे हुए हमले को लेकर जो बड़ा विवाद चल रहा था, जिस एक लड़के के ऊपर कुछ लोग आके हमला कर दिए थे, इसे को लेकर ये मामला बहुत ही तूल पकड़ चुका है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए आज वारिस पठान साहब थाना में DCP ऑफिस में उनसे मुलाकात करने आए हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसे आए और क्या आगे की कार्रवाई रही और क्या कहना है इस विषय पर। वारिस पठान साहब का इनसे भी आपसे बात कराते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सर, आप आज मुम्ब्रा पुलिस DCP के वहाँ पे आए हैं, मुम्ब्रा में जो हादसा हुआ था उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2 दिन पहले रात को कुछ गुंडे घुसे हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो ऑफिस है थाना मुम्ब्रा में, वहाँ पर आई, तोड़फोड़ किया, हमारे एक बच्चे को मारा तलवार और डंडों से। और आप तमाम ने देखा कि पूरा सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल है, मीडिया को सब पता है। तो ये एक बहुत ही कंडेमनेबल घटना थी, हमने इसका खंडन किया है पूरी तरह से। और हमने पार्टी के जो हमारे सदर है बैरिस्टर ओवैसी साहब, उनका डायरेक्शन था कि जाइए किसी भी तरह पुलिस से बात करना है, FIR रजिस्टर कराना है और जो भी गुंडे उसमें मुब्तला थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। तो हम फर्स्ट डे से लगे हुए हैं। पुलिस ने अभी हमको बताया, आज हमारी मुलाकात हुई तो पुलिस ने FIR रजिस्टर किया है, धारा लगाई है 326 और राइटिंग की धारा लगाई है। 4 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको एक 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, ऐसा पुलिस ने हमको बताया। और हमको उम्मीद है और यकीन है कि पुलिस निष्पक्ष इंक्वायरी करेगी और जो कोई भी लोग इस घटना के अंदर मुब्तला है, जो पीछे मास्टरमाइंड भी अगर कोई है, तो हमने पुलिस से यही कहा है कि आप उसका भी इन्वेस्टिगेशन करिए और उसके भी हिरासत में लिया जाए। क्योंकि देखिए, हमारा एक ही चीज़ मानना है, हम कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, हम कायदे को अपने हाथ में लेना नहीं मानते। अब ये जो बुज़दिलाना हरकत है, हम ये नहीं करते कि जाओ कोई खड़ा है निहत्ते को जाके ऑफिस में मारो। अरे भाई साहब, कानून की लड़ाई कानून से लड़ेंगे, सियासत की लड़ाई सियासत से लड़ेंगे। अगर आपको इस तरह गुंडागिरी भाईगिरी करना है तो हमको भी आता है करना, हम भी घुस के मार सकते हैं आपको, लेकिन हम कायदा कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। इसलिए हम कानूनी प्रतिक्रिया करके चाहते हैं सरकार से कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब देख रही है। और इसका जवाब अगर जिसने भी बुज़दिलाना हरकत किया है किसी के बोलने के ऊपर, तो उसको जनता चुनाव में बराबर से जवाब देगी अपने वोट के जरिए। हम इस चीज़ में मानते हैं। बस अच्छी तरह से बात हुई, कमिश्नर साहब से, DCP साहब से, सबने बात किया है और एक्शन भी लिया है पुलिस ने। और हमको यकीन है कि सख्त कार्रवाई भी होगी अभी उनके खिलाफ भी और इंशाल्लाह कायदा कानून प्रिवेल करेगा। शुक्रिया। DCP साहब ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है इस मामले वाले के साथ? दिया ना, DCP साहब ने बताया कि हमने FIR रजिस्टर किया है 4 जन पे, 4 जन को अरेस्ट किया है हमने, उनको 4 दिन की पुलिस हिरासत में लिया है, उनसे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं हम लोग, पूरी तरह से चौकसी कर रहे हैं। अब कोर्ट के अंदर मैटर है और कोर्ट जो फैसला करेगी सबको मान्यता होगा उसके अंदर, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए पुलिस को सख्त कार्रवाई इस पर करना चाहिए। शुक्रिया सर। मैं अपने 10 बजे के बाद 50 मिनट के मसाला पकौड़े मेरे भी हाथ में भाई लगे 25 को टेस्ट करना क्या। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को दबा लिए, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आती रहेगी।